Nehemiah Adhyay 1 Nehemiah Adhyay 1 हकल्याह के पुत्र नहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में जब मैं शूनन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सन्मुख बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाव था